वाटर में किस तरीके का था कि दो हाइड्रोजन थे, तो इस तरीके के दो हाइड्रोजन, ठीक, और ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इस तरीके से थे और एक ऑक्सीजन था, तो ये इस तरीके से, ये। तो आपने इसमें क्या कर लिया, इसमें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो इसमें एक आएगा, मान लो इसको क्रॉस से दिखा दिया, तो क्रॉस इसका ऑक्सीजन का और सर्कल किसका, हाइड्रोजन का, तो इधर ऐसे, फिर इधर भी हमने एक क्रॉस और एक सर्कल, एक क्रॉस और एक सर्कल, ठीक। ऑक्सीजन का हमने क्या रखा है, क्रॉस रखा है, तो क्रॉस कितने बच जाएंगे, दो हैं तो चार बच जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से आपने बनाया था बॉन्डिंग करके, शेयरिंग करके वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब क्या है यस सर, कि इसको क्या कहते हैं, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कितने किए, टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन शेयरिंग, 4, फोर ठीक है, इधर दो इधर दो, तो 4 है टोटल, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फोर 4 हैं। तो ये बताओ इनको हम क्या कहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे ये एक लोन पेयर है, बेटा म्यूट कर लो ना, क्यों आवाज आ रही है दुनिया भर की, लोन पेयर, क्या कहते हैं, लोन पेयर, और ये ऊपर वाला भी हो जाएगा, पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, तो ये भी है लोन पेयर, लोन पेयर कितने, दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक पेयर बनता है, तो लोन पेयर कितने हो गए वाटर में, दो, दो वाटर में दो लोन पेयर हो जाते हैं, ठीक। और जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं कितने हैं, दो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देख लो बॉन्ड भी बना रहे हैं उसमें भी 4 ही है यस टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको कहते हैं हम लोन पेयर, पेयर इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर क्या है, दो है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हम समझ गए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा यस होता, सर, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ओ जो है बीच में है, सबको दिख रहा है, और ये एच के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हमने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो ये ऐसे आ जाता है, एच नीचे और ये एच इधर, तो ये बनता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्यों बनता है बेटा, इसका यस सर। डिटेल आप देखोगे 11th क्लास में, मैं बस सर हाँ सर, और ये आप ये बनाया, क्या, ये आपने बनाया था, ये शेयरिंग वाला बॉन्ड हाँ ये, वो। हाँ तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये, और ये स्ट्रक्चर है इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, अच्छा, ओके सर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री कह लो, शेप कह लो, ज्योमेट्री कह लो, चलो ठीक है, ये ज्योमेट्री ऐसी होती है H2O की। अब ये किस वजह से ये टेढ़ा हो गया है, एक्चुअली इसको होना कैसा चाहिए था, ऐसा ऑक्सीजन सीधा इधर, हाइड्रोजन इधर लगा था सीधा हाइड्रोजन, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गए, टेढ़े हो गए, क्यों, बेंट हो गए, क्यों बेंट हो जाते हैं, मैं बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा आप लोगों को क्या होता है बेंट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, चलो 4, दो ऊपर दिखा दो, दो नीचे दिखा दो, 1 2 3 4, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज के होते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करता है, तो ये बॉन्ड जो है ये नीचे आने लगता है, इधर से ये रिपेल करता है, ये नीचे आने लगता है, ये भी रिपेल करेगा, तो इसलिए ये बीच में आके रुक जाता है, चिपकता भी नहीं है, ठीक है,
नीचे से भी रिपेल हो रहा है, ऊपर से भी रिपेल हो रहा है, तो यहाँ से रिपल्सन होता है, तो लोन पेयर का रिपल्सन की वजह से ये टेढ़ा हो जाता है इस तरीके का, ये ऐसा ना होके ऐसा हो जाता है। बात समझ में आई सर? दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ये दोनों पेयर एक जैसा रिपल्शन करते हैं कि कम ज्यादा? बराबर रिपल्सन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले हैं। अरे बताओ ना, लोन पेयर वाले है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वाले तो बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर वाले तो बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, ये लोन पेयर वाले हैं, लोन पेयर वाले का रिपल्सन होता है और बॉन्ड पेयर वाले भी रिपल्सन करते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो बीच में होना चाहिए ऐसे ही। लेकिन लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, वही तो बोल रहे थे। लेकिन आप 11th क्लास में पढ़ोगे उसमें लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, आपके किताब में तो कुछ समझाया है नहीं, बस ऐसा बना के दे दिया होगा ऐसा। तो क्या रीजन होता है इसका ऐसा बनने के लिए कि रिपल्सन जो होता है, लिख सकते हो आप कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर और लोन पेयर जो एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे, लोन पेयर को एलपी लिख सकते हैं हम लोग, एलपी, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, रिपल्सन उससे ज्यादा होता है, इसलिए ये टेढ़ा होके ऐसे बीच में आके रुक जाता है। ठीक है? यस सर। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है? लेकिन ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का, ठीक है? लेकिन ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से ये ऐसा होता है, ये ऐसे सीधे क्यों नहीं रहता है। तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ जो रिपल्सन होगा उससे, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, ऑकरेंस ऑफ वाटर। वाटर अकर कैसे करता है? ऑकरेंस ऑफ वाटर, ऑकरेंस ऑफ वाटर, ठीक है? तो वाटर का जो ऑकरेंस होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि नेचर से मिलता है हम लोग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? रिसोर्स जो वो चीज होती है जो हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है कि 70% से ऊपर जो अर्थ का एरिया है वो वाटर से ऑक्यूपाइड है, सबको पता है ये सारी चीजें, तो हम अभी लिखेंगे नहीं। 70% अर्थ का ज्यादा, 70% से ज्यादा वाटर है, ठीक है? अब लेकिन उसमें से हार्डली 2.5% वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए फ्रेश वाटर, ठीक है? केवल 2.5% आउट ऑफ 70, ऑलमोस्ट 75% है, 70% से ज्यादा मतलब 75% वाटर ऑन अर्थ ओनली 2.5% इज यूज्ड एज फ्रेश वाटर। अरे भाई साहब, 2.7 हो चाहे 2.5 हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें 0.2% से? हैं? तो बुक में लिखा है 2.7, 2.5% के आसपास जो है वो फ्रेश वाटर है, उसमें भी यूज जो हम करते हैं वो भी कम है, 1% के आसपास है, ठीक है? क्योंकि वो ग्लेशियर में और पोलर जगह पे वो इकट्ठा है, ठीक है? आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स में आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो उधर पे भी वाटर है, तो उधर का वाटर तो हम लोग अप्रोचेबल नहीं है, तो हम लोग को जो अप्रोचेबल है इससे कम ही वाटर मिल पाता है,
ठीक है, अगर हम लोग इसको बाई एरिया वाइज में वो करें, बांट दे जरा ऑकरेंस को, तो ये भी जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है ये। तो सोर्स जो है परसेंटेज कितना है किस सोर्स से, जरा देख लेते हैं हम लोग किस सोर्स से कितना परसेंटेज है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं सोर्स, इधर हम लोग लिख देते हैं सोर्स, किधर से कितना मिलता है पानी, और इधर पे परसेंटेज। तो सोर्स में आप लोग लिख लेंगे, सबसे पहला क्या है, सेलाइन लेक्स होते हैं और आइलैंड एरियाज होती हैं। जो भी सेलाइन लेक मतलब जहाँ पे लेक्स वाला, एंड इनलैंड, आइलैंड नहीं इनलैंड सीज, वो होता है आपका कितना। अच्छा उससे ज़्यादा तो पहले जो सबसे ज़्यादा है उसको लिख लो, इससे ज़्यादा तो ओशियंस का पानी है। तो ओशियंस का, ओशियंस में सबसे ज़्यादा है कितना, 97.33। ठीक है, जो भी पानी है उसका टोटल जो भी मिलता है हम उसको अब 100% मान ले रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे? Yes, जो भी पानी है उसको 100% मान के हम ये मान रहे हैं कि कहाँ कितना मिलता है। ओशियन में इतना है, सेलाइन में, सेलाइन एंड इनलैंड एरिया, इनलैंड एरिया में इसका मिलता है हमको। सर ये दोनों एक ही है, सेलाइन एंड इनलैंड? हाँ दोनों एरिया मिला के इनलैंड। yes, पोलर आइस या ग्लेशियर में जो बात करते हैं हम लोग, पोलर आइस एंड ग्लेशियर, यहाँ पे मिलता है आपका पानी 2.4 या 2.05%। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है, जो जमीनी स्तर पे जो लेवल वाटर अपने ग्राउंड पे मिलता है, ग्राउंड वाटर, वो होता है आपका 0.6 के आसपास है। ठीक है, लेक्स के अंदर जो मिलते हैं पानी, लेक्स के अंदर बहुत कम होता है, 0.009 है, 0.008 है। सॉयल के अंदर मिलता है, रिवर के अंदर मिलता है, सॉयल के अंदर एज ए मॉइस्चर मिलता है, ये सॉयल के अंदर एज ए मॉइस्चर मिलता है, बहुत कम, 0.005। ठीक है, रिवर के अंदर मिलता है, रिवर के अंदर बहुत कम है, 0.001। तो ऐसे करके आपको वाटर जो मिलता है इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे कितना मिल रहा है। सबसे ज्यादा ओशियन के अंदर मिलता है। ठीक है, आप लोग वाटर साइकिल पढ़े हो? यस सर, यस सर। वाटर का तीन स्टेट होता है, आप लोगों को पता है, और वाटर जो तीन कंडीशन में पाया जा सकता है, कैसा कैसा? यस सर, वेपर सर, सभी मैटर जो होते हैं हमने पढ़ा है तीन स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो वाटर के भी तीन स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में आइस कहते हैं उसको, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल इन थ्री स्टेट्स। ओके, कौन कौन से? सॉलिड जिसमें हम उसको आइस कहते हैं, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड जो जिसको वाटर कहते हैं, यस सर, एंड गैसेस। ओके, और गैसेस जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, वाटर वेपर, यस सर, गैस जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो ये तीन स्टेट में हम लोग को वो वाटर मिल सकता है, सॉलिड मतलब आइस में, लिक्विड मतलब वाटर, और वाटर वेपर मतलब गैस। आप लोग को कैसे बनता है, क्या होता है, आप लोग को ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। yes, sir. इसका वाटर साइकिल जो होता है कैसे होता है, मान लो ये हमारा ओशियन है, ठीक, ये हमारा ओशियन है, ओशियन के बगल में इधर लगा है आपका वाटरफॉल, इधर में आपका लगा है मान लो वाटरफॉल, देखा है ना, जानते हो ना वाटरफॉल, यहाँ से पानी गिरता है। यस सर, ठीक है, वाटरफॉल है। और सर मतलब ये ओशन में पानी आ रहा कि ओशन से जा रहा? अब रुक तो जाओ, तुम्हें डाउट जरूर रहेगा, पूरा तो बना लेने दो। हैं, इधर है हमारा सन, इधर हमारा सन है, ठीक है, बता लेने दो, उसके बाद समझा देंगे, काहे परेशान हो रहे।
सन है, ये सन है, ठीक है। अब इधर फॉरेस्ट एरिया है, जंगल, इधर में फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। ये हमारा वाटरफॉल है, ठीक है। और इधर में मान लो हमारा पहाड़ वहाड़ है, मतलब ये जो हमारा एनवायरनमेंट जो पूरा पाया जाता है उसको बनाए रहा है हम लोग, ये हमारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन्स हैं, ठीक। इधर में हमारा क्लाउड है, बादल, तो सही आपके वाटर साइकिल बना रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके से होती ना, ये क्लाउड है, ठीक है। अब इसके अंदर ओशन के अंदर जानवर भी हैं कुछ, तो मछली बना दिया जाए, ठीक है। ये फिश है, डॉल्फिन है, ठीक। यस सर। तो ये इस तरीके से हमारा इसके अंदर पानी भरा है भाई, ये ओशियन के अंदर पानी भरा है पूरा, ये हमारा ओशियन है, ठीक। तो वाटर साइकिल क्या होता है? एक साइकिल होता है जो पूरे एनवायरनमेंट में चलता रहता है। कैसे? देखो जरा, आप लोगों को पता है कि ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ये क्या करते हैं, रेन करते हैं। क्लाउड जो है रेन करते हैं, सबको पता है कि इसमें से yes, sir. इसमें से बारिश के बूंदे निकल रही हैं, ठीक है, ये रेन है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सी में इवेपोरेशन होता है, इवापोरेशन तो पढ़ा है ना, बताया है ना, yes, sir. ये यहाँ पे इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन, yes, sir. इवापोरेशन से क्या होता है भाई, ये यहाँ से पानी इवापोरेट होता है और जाके क्या बनता है, पानी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर भाप, मतलब कि वो क्लाउड बनाता है, वो जाके ऊपर में क्लाउड बनाएगा, माउंटेन से सर्कुलेट होके इधर से फॉरेस्ट से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, वॉटरफॉल, ये मतलब पूरा एक साइकिल है जिससे हम लोग को पानी यूज करते हैं या मिलता है, ठीक है। सन का भी रोल है उसके अंदर, सन क्या करता है, सन की हीट की वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, इवापोरेशन होता है सन की हीट की वजह से, ठीक है। अब ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन आपने पढ़ा है ना, ट्रांसपीरेशन बायो में पढ़ा होगा, प्लांट्स जो लेकिन अभी पढ़ाया था, पानी जो यूज करते हैं जिससे उनका ग्रोथ होता है, उनके लिए खाना पीना जो भी है, पानी ज्यादा रोल करता है प्ले उसमें। तो वो जो पानी लेते हैं वो ट्रांसपीरेशन एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे वो पानी को थ्रू देयर रूट्स अपने को ऊपर सप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू वो ऊपर तक पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अरे बताओ ना, ट्रांसपीरेशन समझ में आया तो क्या कह रहा है? यस सर, यस सर। इस तरीके से ट्रांसपीरेशन से जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको मिलता है पानी और उससे वो ग्रो करते हैं, उनसे उनकी पूर्ति होती है। उसके बाद ये पूरा सिस्टम जो एक वाटर साइकिल बता रहा है, ठीक है, ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक वाटर साइकिल बना रहा है। हर के सबके एग्जिस्टेंस के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है, वो भले वाटर माउंटेन क्यों ना हो,
क्लाउड हो, सन हो, अर्थ हो, हमारे लिए केवल जरूरी नहीं, सबके लिए वो रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूज होता है, ठीक है, सबके लिए एज ए रिसोर्स यूज होता है, एज ए ह्यूमन बींग भी हम लोग यूज तो करते ही हैं, लेकिन जितने भी बाकी सारे जो बींग्स होते हैं, जितने भी बाकी सारी चीजें हैं वो भी यूज करते हैं। आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये तो यूज करता ही है पानी को, लेकिन बाकी सब भी यूज करते हैं, वो एक साइकिल जनरेट होता है, ठीक है, और उस तरीके से मतलब सी से इवोपरेशन हुआ तो क्लाउड बना, फिर क्लाउड ने बारिश दिया तो वो फिर सी से होता है, तो वो एक साइकिल बन जाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो वाटर जो है वो फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाया जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पूछता है हमसे कि वाटर का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, तो एग्जिस्टेंस फ्री भी है, फ्री मतलब मुफ्त में नहीं, मतलब बिना किसी के रिएक्ट किए, ये कहना है वो। फ्री का मतलब केमिस्ट्री के टर्म में ये नहीं होता है कि पैसे के फ्री, पैसे वाला फ्री नहीं है वो, एग्जिस्टेंस किसी के रिएक्ट नहीं किया है वो। वाटर में एग्जिस्ट बोथ इन द फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। वाटर वाटर अकर्स बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, ठीक है। आप पूछो ना, क्या कह रहे हो, कौन पूछ रहा था कुछ? बताओ। तो वाटर जो है वो कंबाइंड और फ्री स्टेट में दोनों में पाया जा सकता है, तो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाटर एज ए केमिकल। वाटर एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है, सबको पता है, सबको पता है ना वाटर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है, जिसका खोज जो हुआ था किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने बताया कुछ, जरा देखते हैं। वाटर एज ए केमिकल कंपाउंड हेडिंग जो देते हैं, वाटर एज ए केमिकल कंपाउंड, वाटर ठीक है is a chemical compound. Water is a chemical compound. ठीक है।
वाटर को पहले सोचा जाता था कि वो एलिमेंट है, वाटर को पहले सोचा जाता था कि वो एक एलिमेंट है, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश नाम का एक बंदा आया जो पहली बार बताया, हेनरी कैवेंडिश, क्या हुआ कृष्णा क्यों म्यूट अनम्यूट करके रख रहे हो, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश इन 1781 में इसने बताया, इसके पहले जरा ध्यान से सुनना, इसके पहले वाटर को एज ए एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है ऐसा मान के चल रहा था आदमी, लेकिन इसने बोला कि ऐसी बात नहीं है, इसने बताया कि कंपाउंड है इसको बनाया जा सकता है। तो हेनरी कैवेंडिश इन 1781 शोड that water water can be prepared water can be prepared by igniting या by heating या by burning, by igniting, igniting मतलब क्या heating होगा, ठीक है, और heating या burning और by heating a mixture of two volume of hydrogen, okay, and one volume of oxygen. तो कैवेंडिश ने पहली बार बताया भाई साहब कि हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर को, कैसे, बर्न करके या इग्नाइट करके, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ले लो, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम ले लो, तो आप H2O बना सकते हैं, आप क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैवेंडिश, ठीक है। यस सर। बाद में लेवोजियर ने बोला, लेवोजियर का नाम तो आप लोग सुने ही हो, इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो एंटोनी लेवोजियर लेटर ऑन, एंटोनी लेवोजियर इन 1783 में, जस्ट 2 साल के बाद उसने बोला कि अगर हमको रिकॉग्नाइज करना है वाटर एज ए केमिकल कंपाउंड, सो क्या करें हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाय वेट 1:8 के रेशियो में होना चाहिए। तो बता रहे हैं जरा, हम कल हमें वेट की बात किए थे हम लोग, तो वही बताया इसने एंटोनी लेवोजियर ने 1783 में, दैट water can be recognized as a chemical compound yeah, water can be recognized as a chemical compound of two elements hydrogen and oxygen, ठीक है, two elements कौन कौन, hydrogen and oxygen, combined in the ratio of क्या है 1:8, उसने भाई वॉल्यूम की बात की, इसने भाई मास की बात करती, भाई वेट की बात करती, मास और वेट, कुछ समझ में आया नहीं आया। देखो क्या हुआ, पहले समझा जाता था कि जो हाइड्रो वाटर है वो एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं था, जबकि ऐसा नहीं था। बाद में कैवेंडिश ने बोला कि भाई साहब क्या करोगे, अगर हाइड्रोजन का आप 2 वॉल्यूम लो और ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम लो और उनको इग्नाइट करो अगर, तो H2O बनाया जा सकता है, बाय वॉल्यूम बोला उसने, वॉल्यूम। लेकिन बाद में एंटोनी लेवोजियर ने एक और बात बोल दी कि बाय मास,
अगर हम 1:8 हाइड्रोजन को कंबाइन करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। अरे बताओ। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? बहुत सिंपल चीज है, दो बातें दो लोगों ने बोली, एक बाई वॉल्यूम और एक बाई वेट। आपको पता है कि H का वेट 1 ग्राम होता है, सबको पता है ये चीजें। अब इसमें अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ी गंभीर सिचुएशन है ये। 1 ग्राम होगा H का, 1 ग्राम तो H2 का 2 ग्राम, कल बताया भी था मैंने, H2 का हो जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, मैंने बताया था, याद कर लो, 16 ग्राम। तो 2:16 का मतलब 1:8 होगा ना, 2 1 जाए 2 और 2 8 जाए 16, 1:8, यही रेशियो बता रहा है वो। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों बातें बोली गई किनके थ्रू, एक कैवेंडिश और एक इनके थ्रू, और लेवोजियर ने बोला। ठीक है, अब वाटर के कुछ प्रॉपर्टी देख लें, वाटर के कुछ प्रॉपर्टी देख लें हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है, वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एक मिनट जरा रुक। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हम लोग को देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वाटर की, जो हम लोग बात करते हैं, वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब पता है आप लोगों को क्या? Yes, sir. क्या होता है होमोजीनियस मतलब? जो हर चीज के साथ डिसॉल्व हो जाए। Yes, sir. नहीं, शुगर के साथ किसलिए? होमो सॉल्यूट की वो सॉल्यूट सॉल्यूएंट से ज्यादा होता नहीं। जो मान लो ये हमारा कोई चीज है, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट मान लो है, हम बस आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को क्या होमोजेनियस होता है। सॉल्वेंट इसके अंदर हम लोग सॉल्यूट डालते हैं या मिक्स करते हैं कुछ, उसको कहते हैं हम सॉल्यूट। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। तो जब ये सॉल्यूट जो इसमें मिक्स किया गया है, उसके बाद क्या बनाता है ये दोनों मिलके? सॉल्यूशन। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, हर जगह पे जो सॉल्यूट है वो बराबर तरीके से डिजॉल्व है। मतलब ऐसा नहीं है कहीं कम और कहीं ज्यादा, बात समझ में आ रही है? हर जगह पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, बराबर। आप लोग के स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, जाते हो ना यूनिफॉर्म पहन के? Yes, sir. तो क्या नाम है इसका? नाम यूनिफॉर्म क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चा कोई भी हो, मतलब वो अमीर हो गरीब हो, चाहे किस कहीं से किस कास्ट का हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक ही जैसे हैं। यूनिफॉर्म ड्रेस में, एक यूनिफॉर्म में होना जरूरी है उनका। ठीक है, तो इसलिए सबको एक ही जैसा ड्रेस दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल बराबर हर जगह पे, हर जगह पे। वो क्या होगा, स्कूल के अंदर हर जगह पे हर बच्चा एक जैसा होगा। बात समझ में आ रही है?
तो इसी तरीके से जो सॉल्यूट है वो जो सॉल्यूशन बन गया, मान लो ये सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन के आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, पिए हो कोल्ड ड्रिंक, आप लोग ऐसा हुआ है क्या कि कोल्ड ड्रिंक एक सॉल्यूशन है पता है, उसमें कई सारी चीजें मिक्स भी होती हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन बना हमारा ठीक है, इसके अंदर कोई चीज मिक्स है, अगर ये जो सॉल्यूट मिक्स है, सॉल्यूट जो मिक्स है, ये सॉल्यूशन बन गया, चलो इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ से सैंपल उठाया, मैं एक इधर से सैंपल उठाया, एक इधर से सैंपल उठाया, और सबको मैंने देखा, चेक किया, तो सब जगह पे जो कंसंट्रेशन है या हर जगह पे जो मात्रा है उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, वो सेम है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होगा, हर जगह पे जो सॉल्यूट मिला हुआ है ना सॉल्वेंट के साथ, वो हर जगह पे बराबर तरीके से मिला है, ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे आपने सब्जी खाई, सब्जी में कहीं नमक ज्यादा है और कहीं पे नमक कम है, ऐसा अगर होगा तो गड़बड़ लगेगा। तो सब्जी में अगर आपकी जो नमक है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सब्जी का टेस्ट हर जगह से सेम होगा। बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब वो सब्जी क्या है, होमोजीनियस है, उसमें जो नमक है वो होमोजीनियसली मिक्स है। आर यू गेटिंग? यस सर। तो वो बराबर है हर जगह पे, कहीं से भी चम्मच डाल के उठाओ आपको टेस्ट सेम आएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक आप ऊपर की पियो, आपसे पहले जो पिया है उसको टेस्ट सेम होगा, और आप में जो बाद में पिया है वो भी टेस्ट सेम होगा एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर, होगा कि नहीं? यस। तो उसमें जो भी मिक्सर, जो भी सॉल्यूशन बना है वो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आई तो इसको लिख लेना, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक? यस सर। इसको हटा देते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको मैं लिख भी देता हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज डेफिनेट फिजिकल कांस्टेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है, इट हैज कांस्टेंट फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, सपने को सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये सारी चीजें फिक्स होगी। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जिसको नहीं पता है जरूर से जरूर लिख लेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसी को कई बार लिखा जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग चीजें लिख सकते हो, 1000। हाँ बताओ ना, डेंसिटी सेल डेंसिटी है। हाँ डेंसिटी है 1000 केजी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताया है मैंने, कितनी बार बताया जाए एक ही चीज, बताओ ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, किसी को नहीं पता है, हैं? क्या होता है, आपने बताया नहीं, बताया नहीं है, इसे मेरे को बोल दो, बताया नहीं है मैंने, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया था, स्टेट ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन कराया था सॉलिड लिक्विड गैस का, जब एकदम शुरुआत में। हाँ बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, बताया नहीं है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, देखो ना मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, नहीं होता है मास का यूनिट केजी, ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो, हैं? और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ये भी नहीं बताया मैंने, तो केजी पर मीटर क्यूब, यहीं से बता सकते थे मास बाई वॉल्यूम,
ये यूनिट देख के ही बता देते कि सर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको देख के आप बता सकते हो फॉर्मूला, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, निकाली जाती है, आगे हम पढ़ेंगे उसको वैल्यू होती है। अगर डेंसिटी आपसे पूछता है वाटर की तो आप बोलोगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर, ठीक है। अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो चेंज नहीं कर सकते हो, बताओ चेंज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। तो ये आएगा 1 g/cm³। तो दोनों में से कुछ भी लिखो सेम है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो भाई। कॉपी में जल्दी नोट डाउन करो, इसको हटाता हूं मैं, जल्दी नोट डाउन करो, हटाता हूं मैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और आप उसको वैल्यू होती है डेंसिटी वाटर की तो 1000 kg/m। नोटेड, ठीक है। चलो जो नहीं नोट करेगा वो फिर समझेगा अपना, ठीक है। कृष्णा नोट हो गया? यस सर। चलो अब डेंसिटी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें। थर्ड एक एक प्रॉपर्टी को आपको जानना बहुत अच्छे से जरूरी है बेटा। अब जो बात करता है ये कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का मिलके बना है, ये बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन है, वाटर जो है हाइड्रो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब मैं कुछ बातें समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, फिर मैं लिख देता हूं ये। अब आपको पता है कि H2 और O ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं ना, H2O। अब ये हाइड्रोजन जो है और ये जो ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी और इसकी कुछ अलग होगी। इस बात को समझ लो आप, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, वाटर अलग है। हाइड्रोजन जो होता है कंबस्टिबल गैस है। क्या है जरा ध्यान से सुनो, लिखो मत, कैसा गैस है हाइड्रोजन? अरे बताओ ना, कंबस्टिबल है। हाइड्रोजन को जलाओगे जलेगा, पॉप पॉप साउंड से जलता है, चिट चिट की आवाज आती है जब भी हाइड्रोजन जलता है। जब भी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में कोई चीज जलाओगे चिट चिट की आवाज आती है। आप लोग कभी पॉलिथीन जलाए होगे तो उसमें फट 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 की आवाज आती है, तो वो पॉप साउंड होता है, सुना है कभी? यस सर, फट 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 चिटपिटी की आवाज आएगी, तो वो पॉप साउंड उसको कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पॉप साउंड। तो वो जो पॉप साउंड है किसकी वजह से आता है? हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस की वजह से पॉप साउंड आता है। ये चीज याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि कंबस्टिबल है, जलाया जा सकता है। ऑक्सीजन जो है O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो जलाया जाता है। ऑक्सीजन तो सपोर्टर है कंबस्टन का, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कंबस्टन का। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इन दोनों से मिलके जो बना वाटर, ये तो भयंकर ही केस हो गया। ये तो पानी जो बना है ये तो आग बुझाने के काम आता है, है? तो बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग हो गई कि नहीं हो गई? Yes, तो ये बात को आप लोग ध्यान से समझ लो कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज का मिलके बना है वो प्रॉपर्टी उसकी भी होगी जो बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबस्टन के साथी हैं, तो ऐसा नहीं है जो बनाएंगे वो भी कंबस्टन का साथी होगा। Are you getting? Yes, sir. So it's very important property. Okay? So please, जिसको समझ में नहीं आया, वंशाहू क्लियर है? Yes, sir, clear. चलो तो हम इसको हटा देते हैं, आपको लिखना था तो लिख लो, ये पॉप साउंड जरूर लिख लेना, ठीक है? पॉप साउंड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये एक्सपेक्ट, क्योंकि गैस जो होती है वो दिखती है नहीं हमको, हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है तो क्या वो दिखती नहीं है, पता करना होता है। टेस्ट आप लोग प्रैक्टिकल वर्क होगा कुछ तो उसमें क्या करना होता है, पता करना होता है कि हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो जब जलाओगे तो पॉप साउंड आएगा, तब तो पता चल जाएगा आपको कि एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो सकती है। बात समझ में आया? यस सर।
अब जो हम लोग लिख लें कि द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, मैं लिखता हूं अगला प्रॉपर्टी में, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब जिसका बना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिसका वो बना है, मतलब कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कॉन्स्टिट्यूएटिंग एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो अब हम लोग बता देते हैं क्या होता है हाइड्रोजन। जो होता है हाइड्रोजन, जो मैंने बताया था अभी लिख लेते हैं, हाइड्रोजन इज कंबशिबल गैस, हाइड्रोजन इज अ कंबशिबल, जल सकती है ये गैस, कंबशिबल गैस। एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। ओके, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, बट वाटर इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट, इज नाइदर कंबस्टिबल, ना ही तो जलती है और ना ही सपोर्ट करता है, नॉर सपोर्ट द कंबस्टन, जबकि ये बुझाने में काम आता है, उल्टा ही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नोट कर लेना, भेज तो देंगे ही हम, अभी तो लिखवाए था, समझ लिए ना पॉइंट को, समझा करो, नोट करने के पीछे ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करो, समझ गए पॉइंट को क्या कहना चाहते थे। चलो आगे बढ़ो, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या था, होमोजीनियस, दूसरी प्रॉपर्टी क्या था, इट हैज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रिवाइज किया करो दिमाग में तो ये चीजें याद रहती है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, कुछ और भी काम करते हो उसमें भी रिवाइज किया करो, पढ़ाई ये जरूरी नहीं है कि बैठ के किताब लेके ही पढ़ना जरूरी है ना, घूमते फिरते नाचते गाते खेलते कूदते कैसे भी पढ़ सकते हो। अब जो वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हेल्प से, वो कंबशन, वो जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हम लोग बताए थे आपको एक्सोथर्मिक क्या होता है, पढ़ चुके हम लोग एक्सोथर्मिक हैं? Yes, sir. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अरे एक्सोथर्मिक याद है ना एंजल, इज एन एक्सोथर्मिक, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग। मान लो H2 गैस है, रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ, तो क्या होता है, बनता है H2O। इसको हम लोग हाफ भी कर लेते हैं, वैसे तो हाफ लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक इसको वन लिया है, ये भी वन बन रहा है, तो हम लोग हाफ कर देते हैं O2 को, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये गैस है, ये लिक्विड है, सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी निकलता है, तो प्लस में लिखते हैं इधर 286, कितना 286 किलो जूल, इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, यस सर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका। अगला है फिफ्थ, रेशियो बाय मास तो हमने देख ही लिया, यस सर, तो वो भी हमने देख लिया, इट का जो इट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन, बाय मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताया था ना कल, वही है,
क्या है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:8 का है बाई मास। ठीक है? यस सर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करना है तो उसका कोई मतलब फिजिकल मींस नहीं है कि पता चला आपने कुछ मतलब छन्नी लेके छान दिया या हाथ से निकाल लिया हाइड्रोजन को, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई फिजिकल मींस नहीं है, केमिकल मींस ही लगाना पड़ेगा, कोई केमिकल मेथड से ही होगा। Evaporation. क्या नहीं, इवेपोरेशन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है? नहीं सर। यस है, क्या करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग 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 करना है आपको वाटर में से, तो आपको केमिकल मेथड एक लगाना था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल methods, but क्या physical method, they can only be separated by chemical method. Chemical method like electrolysis. Okay, electrolysis क्या होता है ये आप लोग देखेंगे आगे सब। ठीक है, यहां तक सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, 6 प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो ये चारों छह प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे समझ में आ गई, अगर समझ में आ जाएगी तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं, सबको फिजिकल स्टेट सबको समझ में आ गया है, तीनों फिजिकल स्टेट इसके हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस। ठीक है, अब क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जब आइस जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड जो है जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन, और फ्यूजन इसको हम लोग कहते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है। तो मतलब क्या है, आइस जो होगा, इसका मतलब ये है कि आइस जो होगा, आप लोग बर्फ लिए होगे हाथ में, बर्फ हाथ में लिए रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाता है। आप लोग बार बार बोलते हो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग ही प्रोसेस का नाम है भाई। तो ये वॉट आइस जो है सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो मेल्टिंग कहते हैं इसको। अब यहाँ पे होता क्या है, एक बात को समझना आप लोग, आइस जो है वाटर बन रहा है तो मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइस जो सॉलिड है, वाटर जब बन रहा है, और अगर आपके पास वाटर है, अगर वो क्या बन रहा है तो वेपर, अगर वाटर जो है वो वेपर बन रहा है, अब फिर तो उसको इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहते हैं उसको, बारे बार बॉइलिंग, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। ये हमारा गैसियस में चेंज हो गया तो इसको कहते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। क्या करते हो आप लोग, ये है आपका, उसको फोन वाटर जब चेंज होता है वाटर वेपर में वेपोराइजेशन, और ये जो होता है वो मेल्टिंग या फ्यूजन। इवापोरेशन बिल्कुल अलग चीज है भाई,
इवेपोरेशन बिल्कुल अलग फिनोमिना है, मर्ज मत करो इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी याद करने के पीछे चक्कर में पड़ोगे तो यही सही करोगे, कभी इवेपोरेशन को वेपोराइजेशन बोल दोगे, कभी वेपोराइजेशन को इवेपोरेशन बोल दोगे, आपका हो गया काम, लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जब लिक्विड के सरफेस से केवल, वाटर के सरफेस से केवल मॉलिक्यूल छोड़ के जाते हैं, केवल सरफेस के, तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो केवल जब सर, केवल जब सरफेस के जाएंगे तो वो इवेपोरेशन होता है, जब पूरा अंदर से भी जा सकता है तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे ये आपने बाल्टी में पानी रखा या कंटेनर में पानी रखा, ठीक है, ये पानी रखा, अब जब जो मॉलिक्यूल्स इसके वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है मैंने बताया था, तो ये सरफेस पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अलग हिसाब किताब है और इनका अलग हिसाब किताब है। इनका अलग हिसाब किताब कैसा है? इनके चारों तरफ पानी है तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ से सेम, लेकिन इसके चारों तरफ पानी नहीं है, इसके केवल नीचे पानी है, तो इसका फोर्स जो लग रहा होगा वो अलग। तो ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये होता है स्टेबल। तो ये वाला जो अनस्टेबल वाला होता है वो सरफेस को छोड़ के निकल जाता है, सरफेस को छोड़ के निकल लिया, ये सरफेस को छोड़ के निकल लिया, ये सरफेस अपने आप बिना हीट किए, ये सरफेस को छोड़ के निकल गया, ये सरफेस को निकल, तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन। आप लोग दिमाग में कॉन्सेप्ट को बनाओ ना, क्यों याद करने के पीछे पड़ते हो यार, है? यहाँ पे ये फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर। देखो जरा, ये जो मॉलिक्यूल है इसके नीचे वाटर है, ऊपर वाटर तो है नहीं, तो जो फोर्स काम कर रहा होगा इसके ऊपर अट्रैक्शन का, वो केवल नीचे, ऊपर तो फोर्स कम काम कर रहा हो क्योंकि वाटर तो है नहीं, तो इसलिए ये अनस्टेबल होता है और ये सरफेस को छोड़ना चाहता है और ये छोड़ के निकल लेता है किसी भी टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन होता है, लेकिन वेपोराइजेशन केवल बर्निंग से करेंगे, हीट करेंगे तभी वेपोराइजेशन होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तब वेपोराइजेशन होगा, नो डाउट कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी होगा, लेकिन इवेपोरेशन केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स का कहते हैं और वेपोराइजेशन का मतलब सरफेस के साथ साथ इनका भी हो रहा है, ये भी निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो होगा वेपोराइजेशन। लक्ष्य गुप्ता, समझ में आया कुछ? यस सर। तो चीजों को मर्ज ना करो, चीजों को एक जैसा जो है उसको अलग अलग रखा करो, हर्ष, ठीक है? यस सर। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। दिस प्रोसेस इज व्हाट? इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। यू कैन नोट इट डाउन, लिखना है, लिख लो कॉपी में फिर से। ये इवेपोरेशन होता है, वेपोराइजेशन अलग होता है। ये वाले अंदर वाले नहीं निकलते हैं इवेपोरेशन में, ठीक है? लिख सकते हैं कॉपी में आप लोग। सर मैंने तो पहले ही लिख लिया। तो लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको याद रखा करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो, दिमाग में चलाया करो चीजों को। नदी के अंदर सोचो ना आप, ठंडी में भी चाहे नदी के अंदर क्या होता है, पानी धीरे धीरे क्या, अब आप सोचो कपड़ा डालते हो आप, कपड़ा सूख कैसे जाता है? इवेपोरेशन से सूखता है। यस सर। आप अंधेरे रूम में कमरे में पंखा उनका सब बंद करके भी रख दोगे तो 2-3 दिन लेगा भले, लेकिन कपड़ा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस से जो भी मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो निकल रहे हैं, ठीक। अब जैसे ही मैं बताऊं, जैसे ही ये ऊपर वाला निकलता है, एक बात ध्यान देना, जैसे ही ये ऊपर वाला निकलता है उसके जस्ट नीचे जो है वो ऊपर आ जाता है, फिर वो निकलने लगता है, ठीक है? यस सर। तो इसको मैं हटा देता हूँ। वंश, आओ, कुछ समझ में आया दोनों में अंतर? यस सर। यस सर। तो दो टर्म समझते हैं हम लोग, एक टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जरा समझिएगा क्या होता है लेटेंट। दो तरह का हीट होता है बेटा, पहले मैं बता दूं, दो तरीके का हीट होता है। हीट जो होता है वो दो तरीके का, ये भी आप लोग नोट कर लेना, एक है सेंसिबल और एक है लेटेंट। एक होता है सेंसिबल और एक होता है लेटेंट। सेंसिबल हीट एक अलग होता है और लेटेंट हीट अलग होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान समझना। सेंसिबल हीट वो हीट होता है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो क्या करता है, इंक्रीजेस द टेम्परेचर, इंक्रीजेस द टेम्परेचर।
सेंसिबल हीट, जैसे मैं आपके हाथ के नीचे क्या मोमबत्ती जला दूं या माचिस को जला के रखूं, तो आपका हीट जलने लगे, आपका हाथ जलने लगेगा, आपको महसूस होगा गरम गरम, तो वो सेंसिबल हीट है जिससे महसूस होगा, आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो जो हीट होता है जिससे हीट, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है या जिससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है टेम्परेचर, उसको कहते हैं सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट अलग होता है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, छिपी हुई हीट, हिडन, हिडन। इसका मतलब हिडन इन द सेंस क्या है कि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, ये जो है दिस डू नॉट इंक्रीज द, डू नॉट चेंज द टेम्परेचर, डू नॉट चेंज द टेम्परेचर। ये वो चीज है जिससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या होता है तो सर, क्या होता है इसमें? इसमें बेटा होता है स्टेट चेंज। क्या चेंज होता है? स्टेट चेंज करता है, मतलब सॉलिड सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में ऐसा करके ये चेंज होता है। ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है लेटेंट हीट, ठीक है? सबको समझ में आया? बताएंगे मेरे को, हीट दो टाइप का, एक है सेंसिबल और एक है लेटेंट। सेंसिबल जो होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, लेटेंट जो है, क्या कर रहे कृष्णा, नाच का कूद फान रहे तुम है, और जो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, स्टेट को चेंज करता है। प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज हर्ष, ठीक है? यस सर। बहुत सिंपल चीज है बेटा, बहुत सिंपल चीज है, अगर कॉम्प्लिकेट करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन है बहुत सिंपल। आदित्य, ओके सर। तो दो तरह का हीट के में दो तरह का होता है, एक है सेंसिबल एक लेटेंट। सेंसिबल टेम्परेचर को बढ़ाएगा, लेटेंट जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, वो केवल और केवल स्टेट को चेंज करता है, ठीक है? हटा दे एंजल। यस सर। यस सर। ठीक है सर। हाँ सर, सेंसिबल हीट में स्टेट चेंज होता है? अरे नहीं होता है, बता तो दिया मैं। सेंसिबल हीट केवल ओनली इंक्रीजेस द टेम्परेचर, चलो यहाँ पे ओनली लिख लो, केवल टेम्परेचर बढ़ाएगा सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट जो वो केवल स्टेट बढ़ाएगा, ओनली स्टेट चेंज, ठीक है? दोनों का अपना अपना काम है। चलो चल, शाम को भी होगी क्लास? नहीं, मैथ की सर। मैथ की होगी। अच्छा सर, केमिस्ट्री की नहीं होगी शाम को? अभी नहीं होगी, कल होगी, संडे है कल, ठीक है? ओके सर। अब आज ज्यादा पढ़ा देंगे तो दिमाग घनचक्कर नहीं हो जाएगा? यस सर, आज तो वैसे ही डेढ़ घंटा पढ़ लिया, अभी एक घंटा पढ़ा, 12:15 पे तो आए थे, डेढ़ घंटा पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है जब फ्यूजन करेंगे हम, मतलब जब सॉलिड आइस जो है वाटर में चेंज होगा, तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होगा और स्टेट भी चेंज होगा। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेंसिबल हीट भी काम आएगी और लेटेंट हीट भी काम आएगी। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। तो क्या होगा, सेंसिबल हीट तो हमको पता है, टेम्परेचर क्या होगा जब आइस वाटर में, कब चेंज होता है जब टेम्परेचर आइस का क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? आइस का टेम्परेचर बहुत कम है, -5 या -10 पे आइस मतलब बना हुआ है, जीरो से नीचे जाओगे आइस बन जाता है। वाटर में जीरो से नीचे जाओगे 0°C से तो आइस बन जाएगा, बिलो 0°C सबको पता है। अब -5 पे या -10 पे या -20 पे आइस रहेगा, ठीक है? अब आपको बाहर निकाल दिया फ्रिज से, आपने आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दिया, उसका टेम्परेचर मान लो -10 था, -10°C पे था। अब वो बाहर जब आपने निकाला तो बाहर का टेम्परेचर कितना है भाई? रूम टेम्परेचर होता है 25°C। कितना? अरे बताओ ना, रूम का टेम्परेचर इतना होता है 25°C। तो आपके रूम का टेम्परेचर इतना है, मान लो कि एसी नहीं चल रही है, मतलब नहीं गर्मी ना तो सर्दी, मतलब एक जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वो होता है जिसपे आपकी बॉडी कंफर्ट रहे, ना तो पसीना ना तो सर्दी लगे। बात समझ में आ रहा है?
मतलब ना ही स्वेट निकले, ना ही आप सीवर करें, ना ही आपको कोल्ड हो लगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पे आप कंफर्ट फील करें, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। इस पे आपको ना तो पसीना निकलेगा ना तो आपको ठंडी लगेगी, उसको कहते हैं हम रूम टेम्परेचर। तो ये सर सभी तभी से सब लोग बोलते हैं कि कभी भी एसी चलाओ तो हमेशा 25 पे ही चलाओ। तो ये होता है हमारा रूम टेम्परेचर। अब -10 पे है कौन, आइस। अब ये बताओ ये टेम्परेचर ज्यादा है ना, -25 तो 25 तो ज्यादा है। यस सर, सबको पता है कि 25 ज्यादा है और ये कम है। अब ये ज्यादा टेम्परेचर और ये कम टेम्परेचर, तो ये बताओ अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होने लगता है कि नहीं होने लगता है। अरे कोई सर, चाय को आप चाय को गर्म किया, आपने चाय बना के लाए, चाय बना के बाहर में कप रख दी, अब वो चाय क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। ठंडी होती है क्यों, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा है। Yes, sir. आपका जो कप लिए हो उस कप में जो आपका चाय है उसकी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और बाहर में जो रूम है आपका उसका टेम्परेचर क्या है, कम, उससे उसके कंपैरिजन में कम है। तो क्या होगा कि अपने आप, ये बात लिख लो, ये अपने आप होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट का फ्लो, तो हाई टेम्परेचर इधर है लो इधर है तो इधर से इधर हीट का फ्लो होने लगेगा, होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। अब जब होने लगेगा हीट का फ्लो तो इस चाय का टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा। यस सर, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, हीट कैसे मेजर करते हैं हम लोग, टेम्परेचर से ही तो है, कोई चीज गर्म ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई चीज गर्म कम है मतलब टेम्परेचर कम है, यही तो होता है। yes, तो ये रूम का टेम्परेचर कम था, इसका ज्यादा था, तो यहाँ से ज्यादा से कम की तरफ हीट का फ्लो अपने आप होता है। लिख लो कॉपी में कि हीट फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बाय इटसेल्फ, अपने आप, कुछ भी नहीं करना पड़े। कुछ करना पड़ता है क्या, आप चाय को रख के आपको पता चला मशीन लगा रहे या कुछ कर रहे, ऐसा कुछ करते हो क्या ठंडा करने के लिए, वो अपने आप हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है भाई आदित्य। यस सर, वो अपने आप ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लो कोल्ड ड्रिंक लाए, कोल्ड ड्रिंक अपने आप क्या होने लगता है, गरम, गरम, क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या है, कम, कम, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, हाई, हाई। तो क्या हाई से लो की तरफ हीट फ्लो होगा, मतलब बाहर से कोल्ड ड्रिंक की तरफ टेम्परेचर मतलब हीट का फ्लो चालू हो जाएगा, हीट का फ्लो चालू हो जाएगा, तो आपका कोल्ड ड्रिंक गर्म होने लगता है। वैसे ही क्या होगा, ये आइस की तरह, आइस में इधर से इधर, किधर से किधर, ये रूम से आपकी आइस की तरफ हीट का फ्लो चालू हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर, तो कुछ देर के बाद क्या देखोगे आप, इसका ये हीट है, कुछ देर के बाद आप देखोगे अब इसका टेम्परेचर पहले कम होगा ना, सॉरी पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, हीट जा रहा है तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है, पहले हीट गया रहा है तो आइस का टेम्परेचर बढ़ा, अब आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, जीरो तक, कितने तक, जीरो ज्यादा है ना -10 से। यस सर, तो वो -10 से बढ़ते बढ़ते जीरो पे पहुंच गया, अब क्या होना है, वो जीरो पे जाके रुक जाएगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब जो हीट है, बहुत ध्यान से सुनना, अब जो हीट अभी भी आ रहा है लेकिन वो हीट अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, अब वो स्टेट चेंज करेगा, क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, मतलब वो अब आइस जो है जीरो में वाटर बनने लगेगा, बात समझ में आ रही है। यस सर, तो वो हीट अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, अब वो हीट बढ़ाएगा, चेंज करेगा उसका स्टेट, तो वो हीट जो केवल स्टेट चेंज करेगा अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर, एक बार और, नो सर, सर आ गया, एक बार और, क्या हुआ, हमने आइस रखा -10 पे, रूम का टेम्परेचर ज्यादा था, अब जब हाई से लो अपने आप हीट का फ्लो हुआ, मतलब रूम से अपने आप आइस की तरफ हीट का फ्लो हुआ, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 बढ़ते, वो सेंसिबल हीट है, वो जो हीट आ रहा है वो कौन सा हीट है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो सेंसिबल हीट है, तो बढ़ाते 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 जीरो पे ला दिया, वो
जीरो पे लाने के बाद जैसे ही अब स्टेट चेंज होगा, आपको पता है कि स्टेट चेंज होगा, लेकिन होता कैसे ये चीज मैं समझा रहा हूँ। होता क्या है कि अब जो हीट अभी भी आ रहा है, अभी भी जो हीट आ रहा है वो क्या करेगा, उसका स्टेट चेंज करेगा, अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, अब स्टेट चेंज करेगा। वो अब सॉलिड में था आइस, अब वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, और वो कब तक हीट का फ्लो होगा पूरी मैच ना हो, नहीं कब तक हीट का फ्लो बाहर से होता रहेगा बेटा, जब तक वो कम ना हो जाए। अरे यार कितना कम, जब तक जीरो ना हो जाए। अरे जब तक वो बराबर ना हो जाए बाहर वाले के, मतलब बाहर वाला टेम्परेचर जो रूम का है और जो आइस का है, जो वाटर है उसका टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा काम, ठीक है। तो उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विबिलियम। क्या कहते हैं? इक्विबिलियम, उसको कहते हैं हम लोग इक्विबिलियम, ठीक है। इक्विबिलियम होता है वो पॉइंट जहां पे दो चीज इक्वल हो जाए। तराजू में जैसे आप लोग तराजू लेते हो, तराजू में जैसे दोनों साइड दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं, वो दोनों इक्विबिलियम में। बात समझ में आ रही है? हाँ, यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसको कहते हैं हम, तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा और उसको कहते हैं हम लोग इक्विबिलियम पॉइंट। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। चलो अब दो टर्म समझ लेते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब समझ में आ जाएगा। ये रहने दें, आगे अगले पेज पे करें कि हटा दें इसको? सर अगले पेज, नेक्स्ट पेज पे। चलो अब क्या है, कि लेटेंट हीट ऑफ पहले करते हैं फ्यूजन। फ्यूजन किसका होता है? आइस का। फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस। यस सर। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस फ्यूज हो रहा है इसमें वाटर में, सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या होगा? मान लो आपके पास 1 kg आइस है, सपोज दैट, कितना आइस है? 1 kg आइस है। 1 kg आइस को आपको क्या करना है, 1 kg वाटर बनाना है। क्या बनाना है? 1 kg वाटर। तो 1 kg आइस को 1 kg वाटर बनाने में, क्या है, जो हीट क्या करेगा, क्या हो रहा है, हीट क्या होगा, रिलीज होगा कि लेगा वो? हीट लेगा ना वो? यस सर, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो हीट देना पड़ेगा हम लोग को, जो टेम्परेचर या जो हीट हमको देना पड़ेगा 1 kg ऑफ आइस को 1 kg वाटर बनाने में, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं समझ में आया? यस सर। बस 1 kg को एक केजी वाटर में, ठीक है, या 1 gram को 1 gram वाटर में, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो। तो 1 kg आइस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इंटू वॉटर 1 kg ऑफ आइस इंटू वॉटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर।
ये ध्यान रखना है, वही लेटेंट हीट होगा जिसमें चेंज टेम्परेचर चेंज होगा वो तो फिर कौन सा है, सेंसिबल हीट होगा ना। अरे बताओ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो क्या होगा कि विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर अगर हम आइस को चेंज कर रहे हैं वाटर के अंदर तो वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। बात समझ में आ रही है? यस सर। और एक और हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका होगा? वाटर, वाटर का, वाटर वाटर इनटू वाटर वेपर चेंज होता है वो। यस सर। वाटर तो इसका डेफिनेशन भी बना सकते हो आप लोग, the amount of heat required to convert 1 kg of water into vapor without changing temperature. Very good. Yes sir. Very good. Yes, sir. हो गया। तो याद करने की जरूरत है क्या? समझ लिए बस काम खत्म। Amount of heat आप लोग याद करने के चक्कर में पढ़ते हो इसीलिए नहीं होता है। Required to change. Required to convert water into steam. Convert 1 kg of water into water vapor. Yes, sir. Into water vapor without changing the temperature. Without changing the temperature. अरे बताओ सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल, हीट का जो यूनिट होता है जूल होता है या किलो जूल? किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल पर केजी, केजी पर केजी कर रहे हैं ना? यस सर। पर केजी दे रहे हैं हम लोग, तो किलो जूल पर केजी दोनों का यूनिट। ठीक है? यस सर। इज इट ओके एंजल? सबको समझ में आया क्या है लेटेंट हीट? यस सर। किसी को कोई समस्या है प्लीज आस्क एनी वन ऑफ यू। नो सर। चलो फिर इसको आज आज में आज खत्म कर लेना, अब कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है? यस सर। सर मम्मा पूछ रही थी टाइम।